हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी, लेके आया हूं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन SSR नेवी से संबंधित। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं AA का एग्जाम जो है खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आप लोग। रिजल्ट उसका आ ही जाएगा फ्रेंड्स 20-30 डेज के अंदर अंदर। फ्रेंड्स उसका रिजल्ट आते ही आपका बाकी का जो प्रोसेस है फिजिकल मेडिकल वगैरह जो होता है वो आगे का प्रोसेस हो जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए आप जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए अब मैं बात करने वाला हूँ SSR के बारे में। तो SSR के बारे में जैसा कि विज्ञप्ति आई थी तो उसमें बताया गया था कि मतलब कोई भी इतना खास चेंजेस नहीं किए गए फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि जो पहले प्रोसेस था वही जारी था। इसमें कोई फीस नहीं थी और जो आप फिजिकली जानते हैं फिजिकल जो उसमें क्या क्या चेंजेस फिजिकल में फ्रेंड्स वही जो 7 मिनट में जो 7 मिनट में क्या करना है 1 मील की मतलब 1.6 किलोमीटर की जो हमारी डिस्टेंस कवर करनी है फ्रेंड्स, और 20 उठक बैठक और 10 जो हैं दंड बैठक जिसे बोलते पुशअप्स और सेटअप्स वगैरह जो होती हैं। क्लियर फ्रेंड्स, और आगे बात करते हैं जैसे चिकित्सा के बारे में जो मतलब मेडिकल के बारे में। तो फ्रेंड्स तो मेडिकल का क्या है कि जैसे आपका टेस्ट क्लियर होगा तो मेडिकल जैसे पहले होता था कि 2 दिन के अंदर फ्री कर देते बच्चे को, तो वही प्रोसेस जारी है फ्रेंड्स इसमें। अगर आपके अंदर कोई फिजिकली या सॉरी जो डॉक्टरी में अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स तो उसके लिए क्या करते हैं वो 21 दिन के लिए आपके लिए टाइम प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स। क्लियर, और जो लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा वही है जो जैसे कि आपने SSR नेवी AA का जो दे रखा है फ्रेंड्स एग्जाम पेपर सेम वही है, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। कुछ फ्रेंड्स का ये मानना है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको बता दिया जाए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बारे में ना तो विज्ञप्ति में कुछ बोल रखा है, क्योंकि AA का जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स उसमें बोल रखा था स्पेशली पर्टिकुलरली उसमें एक नोट दे रखा था, उसमें लिखा भी हुआ था ये नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 थी उसमें नेगेटिव मार्किंग। क्लियर, अब देखिए कलर विजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ये आँख हम देख सकते हैं कि बगैर चश्मे के और चश्मे सहित, तो उसमें दे रखा है सही आँख का 6/6 और ख़राब का 6/9 और बोल रखा है जो सही चश्मे सहित बिना चश्मे के और चश्मे सहित दे रखा है फ्रेंड्स। क्लियर, अब देखो टैटू नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, टैटू जो है स्वीकार नहीं है। कुछ जिन फ्रेंड्स के अगर टैटू बना हुआ है तो वो स्वीकार नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आपका कोहनी जो आप जानते हैं जैसे आपके हाथ पर अगर कोहनी से नीचे से कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिखा होता है या हथेली पर या हथेली के जैसे बैक साइड में लिखा रहता है नाम लिखा होता है ओम बना होता है या कुछ इस तरीके का लिखा होता है कोहनी से नीचे फ्रेंड्स, तो वो अवेलेबल होगा मतलब वो अलाउड हो सकता है। लेकिन बशर्ते इसमें एक वो है फ्रेंड्स जिसमें है कि आँख पर जो टैटू है फ्रेंड्स 2 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर नीचे आपका है टैटू तो मान्य कर दिया जाएगा, बट वो है कि 2 इंच से बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके, चलो आपसे हमने बात इसके बारे में नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर ली, मेडिकल के बारे में बात कर ली फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं अब देखो जो इसका चिकित्सा मेडिकल के लिए देखिए स्पेशली नोट लिखा हुआ है फ्रेंड्स इसमें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए जिसमें बोल रखा है कि मतलब आपको सैन्य अस्पताल भेज दिया जाएगा, मतलब वहाँ से आप पूरा प्रमाणित करके ले आएंगे 21 दिन के भीतर भीतर आपको कोई समस्या होती है तो। देखिए अंतिम चिकित्सा परीक्षा के लिए कॉल अप लेटर जो डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे फ्रेंड्स, असफल विद्यार्थियों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ आप देख सकते हैं ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यही था इसके बारे में। अगर बात अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके जो हमारी जो एडमिट कार्ड जो हैं आपको पता है कि अवेलेबल हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो एडमिट कार्ड अवेलेबल आने लगे हैं फ्रेंड्स। तो एडमिट कार्ड के लिए अगर बोला जाए कि मतलब परसेंटेज क्या है फ्रेंड्स, तो अभी तो मानना ही है कि पहले जैसा ही जब प्रोसेस है सब तो पहले जैसे ही परसेंटेज का इसमें मान्यता होगी, जैसे बोल रहे थे कि 70 से अबव बोलते हैं या 75 से ऊपर। तो फ्रेंड्स यही है, अगर जैसे कि आप जानते हैं AA का जो एग्ज़ाम पेपर था उसमें 60% से ऊपर जिनके भी मार्क्स थे उनके ज़्यादातर एडमिट कार्ड आ चुके थे फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं SSR के बारे में तो SSR के बारे में अभी इतना कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इसका भी परसेंटेज पे कोई इफेक्ट नहीं रहा तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी फ्रेंड्स। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्रेंड्स वही है जो आपने AA का आपने अच्छी तरह से पेपर दिया होगा तो बेटर रहेगा, और तो इसमें तो आपका फुल एंड फाइनल एक ही बार में हो जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लेते फ्रेंड्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए अपनी तैयारी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए और हम आपको ज़रूर उसके वीडियो जो है प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।